तो गाइस आज मेरे फॉर्मिंग का चौथा दिन है और अब मैं इन लोगों को लिग्जेन पाउडर या फिर जो कैरेप्लोक्स एल चलाता हूँ वो बंद कर दूंगा और आज से मैं इन लोगों को दूंगा विमरॉल और ये लगभग लगभग मैं 3 दिनों तक चलाऊंगा और उसके बाद में फिर जो भी लीवर टॉनिक वगैरह आता है वो सबको चालू करूँगा। तो दोस्तों आज के रिव्यू में आप लोग को मैं चौथे दिन में कुछ विशेष चीज़ों को बताने वाला हूँ जो ठंडी से रिलेटेड है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस आप लोग को मैं बता दूं कि अभी 2 जनवरी का डेट है और सरगुजा संभाग में काफ़ी ठंड पड़ रही है इस समय पे, तो टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 4 से 5 हैलोजन और कुछ 200 वाट के बल्ब और कुछ 100 वाट के बल्ब का मैनेजमेंट किया है। और साथ में जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि बल्ब के ऊपर में मैं ऐसे कार्डबोर्ड या कार्टून लगा दिया हूँ ताकि क्या हो कि उसका जो भी हीट है उस बल्ब का वो सारा नीचे की ओर जाए और चूजों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी मिल पाए। दोस्तों ब्रूडिंग के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है हमारे फॉर्मिंग में, क्योंकि जितनी भी मोर्टिलिटी होती है वो इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत होती है। जैसे ये चिक्स लगभग लगभग 500 ग्राम 600 ग्राम के समथिंग में पहुँच जाएंगे तो उसके बाद मोर्टिलिटी लगभग स्लो हो जाती है, 1-2 की चलती है, तो वो तो ठीक है। और आज के डेट में भी दोस्तों मेरा लगभग लगभग अगर मैं आप लोग को बताऊं तो समथिंग आज भी 7 से 8 चिक्स की मोर्टिलिटी हुई है, और जिसका रीज़न जेन्युइन ठंड ही हो सकता है जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि ऐसे कोई और रीज़न तो है नहीं, ना ही कोई यहां पे इन्फेक्शन फैला है ना कुछ और प्रॉब्लम है। बाकी डेली अपडेट में आप लोगों तक मैं अपने सारे डिटेल्स को शेयर कर ही रहा हूँ और ये सीरीज़ लास्ट तक चलने वाला है। तो आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए रहेगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं अगर वो लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उन लोगों को जरूर रिप्लाई के तौर पे वीडियोस बना करके पिछले कई वीडियोस में मैंने जवाब दिया भी है, और अगर पॉसिबल होता है तो मैं मैसेज में भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप लोग जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।